हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। गाइस, अक्सर हम डेली यूज़ में बोलते रहते हैं कि वह मन ही मन में कुछ सोच रहा है। तुम मन ही मन में मुझे गाली दे रहे हो, वह मन ही मन में कुछ बोल रहा है। तो गाइस, इस तरह के वर्ड्स को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज़ करेंगे इंग्लिश वर्ड इन वर्डली। गाइस, इस वर्ड को आप या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज़ करें या फिर लास्ट में, और यदि आप सेंटेंस के मिडिल में यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ करें, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, और अब लेते हैं इसके साथ कुछ एग्जांपल्स। वह मन ही मन में कुछ सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग इन वर्डली। तुम मन ही मन में कुछ बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग समथिंग इन वर्डली। वे मन ही मन में कुछ याद कर रहे हैं, दे आर लर्निंग समथिंग इनवर्डली। तुम मुझे मन ही मन में गाली दे रहे हो, यू आर एब्यूजिंग इन वर्डली। वह मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, सी वॉज स्माइलिंग इन वर्डली। राहुल मन ही मन में हंस रहा था, राहुल वॉज लाफिंग इन वर्डली। इन वर्डली का यूज़ गाइस, कोई काम आप अंदर ही अंदर कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट अपने मन में ही कुछ आप कर रहे हैं, उसके लिए इन वर्डली का यूज़ करते हैं। मम्मी मन ही मन में मुझसे गुस्सा है, मदर इज़ एंग्री विद मी इन वर्डली। यदि आपको किसी से पूछना है तब आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ पहले करेंगे, जैसे क्या तुम मन ही मन में कुछ सोच रहे हो, आर यू थिंकिंग समथिंग इन वर्डली। क्या हुआ है, तुमसे मन ही मन में प्यार करती है, डज सी लव यू इनवर्डली। गाइज, ये था आज का वीडियो, और मैं आशा करता हूँ ये वर्ड आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और ये रहे आपके लिए कुछ सेंटेंसेस, इनको कमेंट बॉक्स में जरूर इंग्लिश में कन्वर्ट करके दें। गाइज, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के और भी वर्ड्स के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।